बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो शामली से है, जहां भैंसवाल रोड पर एक भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें यहां एक मिनी बस गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से जाकर भिड़ गई। आपको बता दें कि शामली की ओर से ये जो है बस भैंसवाल की ओर जा रही थी और मिनी बस हादसे में इसमें कई लोग जो है घायल हो गए हैं और ड्राइवर की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बड़ा हादसा आपको बता दें कि हुआ है शामली में, जहां मिनी बस की एक ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और चालक की इसमें हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनीत। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? बड़ा हादसा हुआ है। जी मैम, ये शामली से मिनी बस में जब बैठकर सवारी जा रही थी, जैसे ही वो भैंसवाल रोड के पुल के पास पहुंची तो वहां पर सामने से आ रहे गन्ने के ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि जो बस के अंदर मौजूद अध्यापक सहित बच्चे भी थे, बस के अंदर बैठे थे, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से ड्राइवर सहित दो लोगों को गंभीर हालत बताई जा रही है, जहां पर मौके पर पुलिस ने पहुंच कर घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उनको चिकित्सक चिकित्सा परीक्षण चल रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है, घायलों में क्या कुछ अपडेट है? अभी घायलों की जो दो लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, और जिसमें से अभी फिलहाल इलाज चल रहा है, इलाज के बाद ही सारा मामला सामने आएगा। फिलहाल अभी जो है ट्रक चालक को मौके पर पकड़ लिया गया है, जो ट्रक चालक वहां पर बस में से दो घायल बताए गए हैं अभी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।